राजस्थान में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बचाव और रोकथाम के लिए सरकार ने एडवांस प्लानिंग पर काम शुरू कर दिया है। अब प्रदेश के 33 जिलों में आवश्यकता के अनुसार 500 और 1000 बेड की क्षमता वाले कोविड केयर सेंटर बनाए जाएंगे। चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने यह बताया कि इन दिनों लगभग 70% पॉजिटिव केसेस में या तो हल्के लक्षण या लक्षण ही नहीं पाए जा रहे। ऐसे केसेस की देखभाल के लिए हर जिले में कोविड केयर सेंटर बनाए जाएंगे। इस बारे में विस्तृत गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। शुरुआत में 30,000 बेड की व्यवस्था की जाएगी और फिर जरूरत होने पर इसे 50,000 बेड किया जा सकता है। सभी जिलों में कोविड केयर सेंटर का चयन और प्रबंधन करने की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर को दी गई है। जिला कलेक्टर एक समिति का गठन करेंगे जिसमें जिला कलेक्टर, चिकित्सा विभाग, लेखा शाखा, नगर निगम या नगर पालिका या पंचायत समिति का प्रतिनिधि शामिल होगा। राजस्थान में हर जिले में कोविड केयर सेंटर डेवलप करने की एक गाइडलाइन जारी की गई है। ये छोटे जिलों में 500 से लेके जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतनी जरूरत के मुताबिक बढ़ाई जा सकती है इसमें सेंटर्स में बेड की संख्या, लेकिन बड़े जिलों में 1000 और उससे ज़्यादा भी। तो शुरुआती दौर में राजस्थान में 30,000 बेड और बाद में इसको 50,000 तक बढ़ाया जा सकता है। इन सुविधाओं के साथ कोविड केयर सेंटर्स हर जिले में स्थापित करने का एक विस्तृत गाइडलाइन चिकित्सा विभाग के द्वारा जारी की गई है। उसमें क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि एसिम्प्टोमेटिक केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, 70% से ज़्यादा एसिम्प्टोमेटिक केसेस आ रहे हैं। ऐसे केसेस जो एसिम्प्टोमेटिक हैं उनको रखा जा सकता है, जो माइल्ड सिम्प्टोमेटिक हैं उनको रखा जा सकता है, या सस्पेक्टेड केसेस को रखा जा सकता है। इसके लिए जिला कलेक्टर हर जिले में हमारा चिकित्सा विभाग का एक प्रतिनिधि और लेखाधिकारी, नगर निगम, नगर पालिका और पंचायत समिति का एक प्रतिनिधि और सार्वजनिक निर्माण विभाग का एक प्रतिनिधि, ये जो आबादी वाला इलाका है उससे बाहर कोई जगह की को चिन्हित करेंगे और उस जगह पे अगर सरकारी बिल्डिंग मिलती है तो प्राथमिकता उसको दी जाएगी, नहीं तो किराए पर लेंगे, SDRF से उसका पेमेंट किया जाएगा। और स्थान के चयन के अलावा इसमें नोडल अधिकारी चिकित्सा विभाग का अधिकारी ही रहेगा और उसमें मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए कोविड केयर सेंटर में उसको भी आइडेंटिफाई किया गया है। आप गर्मी का टाइम आ रहा है तो वहाँ कूलर की, पंखे की, लाइट की पूरी व्यवस्था हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, टॉयलेट्स पर्याप्त मात्रा में हो, बेड्स पर्याप्त मात्रा में हो, उनके जो बेडशीट है, पिलो कवर है, पिलो है वो भी पर्याप्त मात्रा में हो, खाने पीने की व्यवस्था भी उनकी अच्छी हो। और इसके अलावा जो एक सिंगल एंट्री पॉइंट हो, एग्जिट पॉइंट सिंगल हो, CCTV कैमरा लगे हुए हो और माइकिंग की अरेंजमेंट हो, चिकित्सक का कक्ष हो वहाँ पे, सैंपल कलेक्शन के लिए भी वहाँ व्यवस्था हो और ड्रग स्टोर भी हो वहाँ पे, और जो PPE किट वगैरह जो पहनते हैं हमारे नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स उनको पहनने का कमरा और इनको उतारने के बाद उनको डिस्ट्रॉय करने की व्यवस्था हो, वहाँ व्हीलचेयर और ट्रॉली की व्यवस्था हो, उनके मनोरंजन के साधन हो, IEC गतिविधियाँ वो भी वहाँ पे चालू रहे, और ये सब ट्रेनिंग भी होगी जो लोग इन कोविड केयर सेंटर्स को संचालित करेंगे। तो कुल मिला के रोगियों की जांच है, सेल्फ आइसोलेशन।